टेक बिंदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल कीजिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों टेक बिंदास चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं सुनील और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ट्रैवल फॉर्म आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है तो अभी लॉकडाउन के टाइम पर आप लोगों को एक अप्लीकेशन फॉर्म या फिर उसे आप कह सकते हैं ट्रैवल फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन पर सो so, ये अपलिकेशन फॉर्म है वो कैसा है और बाकी सब जगह पर कैसा कैसा है तो मैं ये अप्लीकेशन फॉर्म में मुंबई सिटी का पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों टाइप में अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफ़लाइन और ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स बाकी सारी सिटीज़ के लिए भी अवेलेबल हैं उन सारी चीज़ों का जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा सेम प्रोसीजर होगा आपको जो प्रोसीजर से मैं मुंबई सिटी का फॉर्म भरना बताऊंगा वैसे ही आपको बाकी सिटीज के भी भरने होंगे सो so, चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो अप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन मुंबई पुलिस की तरफ से सो so, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरस्टेट ट्रैवल परमिशन ग्रेटर मुंबई पुलिस ये मुंबई पुलिस की तरफ से है और आपको जो एरिया है पुलिस स्टेशन का वो मेंशन करना है उसके बाद कौन सा जोन है जोन आप जब पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आप वहाँ पर पूछेंगे तो वो लोग बता देंगे कि कौन सा जोन है मुंबई सिटी का ठीक है उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस है वहाँ पर आपका जो अभी आप जहाँ रहते हो आप जहाँ पर हो वो कंप्लीट एड्रेस फॉर एग्जांपल आप लोग रहते हैं मलाड में गोरेगांव में अंधेरी में या फिर दादर में तो वहाँ का कंप्लीट एड्रेस आपको प्रेजेंट एड्रेस में फिल करना है उसके बाद डेस्टिनेशन आप कहाँ जा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप मलाड से आप लोग जा रहे हैं कोल्हापुर बैंगलोर यूपी एमपी, भोपाल और पंजाब दिल्ली सो डेस्टिनेशन का कंप्लीट एड्रेस आपका फ्लैट नंबर से लेके आपका घर का नंबर और डिस्ट्रिक्ट हर चीज़ आपको वहाँ पर डेस्टिनेशन में कंप्लीट भरना है उसके बाद आप कैसे जा रहे हैं प्रिफर्ड मोड ऑफ़ ट्रैवल आप जो ट्रैवल करने वाले हो आप जो जाने वाले हो वो कैसे जाने वाले हो आप ट्रेन से जाने वाले हो आप बस से जाने वाले हो, या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से या फिर दूसरे अदर कोई भी व्हीकल से सो so, उसे अभी अगर आप मेंशन करते हैं अदर्स तो आपको बताना पड़ता है कि हाँ हम अलग हम अपने बाइक से जाएंगे या फिर अदर व्हीकल से जाएंगे सो so, उसके बाद अब आता है अगर आप व्हीकल से जाते हैं अपने खुद के व्हीकल से तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है तो उसमें आपका गाड़ी का नंबर जो भी गाड़ी से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका नंबर उसका मॉडल नंबर क्या है उसके बाद वो व्हीकल की वो जो गाड़ी है उसकी कैपेसिटी कितनी है फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ जो फोर व्हीलर्स होती हैं उनमें फाइव सीटर्स होते हैं या फिर फॉर एग्जांपल समझ लो कि कोई थोड़ी सी बड़ी गाड़ी हुई या फिर कोई फोर व्हीलर है जहाँ पर सिक्स सीटर्स है तो छः लोग बैठ सकते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ व्हीकल जो है वो सिक्स होगा उसके बाद अब नीचे जो मेंशन किया हुआ है जो इनका क्राइटेरिया है जो उसकी कैपेसिटी है उसका फिफ्टी परसेंट लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं तो जिस गाड़ी में एक बार में छः लोग ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पर उस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ तीन लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी तीन लोग ट्रैवल कर सकते हैं सो so, ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में देनी चाहिए उसके बाद जो गाड़ी चलाने वाला है जो ड्राइवर है उसका नाम उसका लाइसेंस नंबर ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी उसके बाद अब देखते हैं आप लोग जो जाने वाले हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं अकेले अकेले जा रहे हैं या फिर ग्रुप्स में जा रहे हैं तो अभी फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मेरा एक ग्रुप है यहाँ पर बीस पच्चीस लोगों का और वो ग्रुप जाने वाला है कोल्लापुर तो उसे कैसे हम बताएंगे सो so उसके अंदर आप ग्रुप लीडर होगा जो ग्रुप लीडर होगा यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द ग्रुप जो ग्रुप लीडर होगा उसका नाम उसका आधार कार्ड नंबर या फिर गवर्नमेंट आईडी जो है उसके बाद उसका मोबाइल नंबर उसका मुंबई का यहाँ पर प्रेजेंट जो उसका कंप्लीट एड्रेस है वो और वो कहाँ जाने वाले हैं सब लोग उसका एड्रेस सेम ग्रुप लीडर टू जो दूसरा ग्रुप लीडर है उसका नाम आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर और जो प्रेजेंट एड्रेस है मुंबई का और कहाँ जाने वाले हैं तो ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी जो आप लोग ग्रुप में उसके बाद एक ग्रुप में अप्रोक्स तीस लोग जा सकते हैं तो तीस जितने भी पैसेंजर होंगे जितने लोग जा रहे हैं उन सबका नाम उनका आधार कार्ड नंबर और इवन कोई भी गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ जो उनके पास आईडी है वो उनका मोबाइल नंबर और उनका मुंबई का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इस तीनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी उसके बाद आप अप्रोक्स तीस लोग एक साथ जा सकते हैं एक ग्रुप का उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है फॉर्म में सिग्नेचर और इसमें सिग्नेचर जो ग्रुप लीडर है उसका सिग्नेचर लगेगा उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रूल्स हैं ट्रैवलिंग के लिए वो ये हैं सबसे पहला आपको आप आपका मेडिकल स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा और रजिस्टर्ड मेडिकल जो ऑफिसर होगा जो डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है अपने क्लिनिक्स पे या फिर हॉस्पिटल्स पे वहाँ पर आपको जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो नंबर टू है उसके अंदर जो गाड़ी होगा वो अपने जो कैपेसिटी है उतना और जितना परमिट दिया हुआ है उतने लोग ही एक साथ वो गाड़ी में जा सकते हैं उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का सारे जो रूल्स है वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे उसके बाद कोई भी गाड़ी जो चौथा पॉइंट है कोई भी गाड़ी जो सिटी है उसे विदाउट सैनिटाइजेशन वो जो भी गाड़ी मुंबई सिटी से बाहर निकलेंगी उसका पूरा का पूरा सिटी से बाहर निकलने से पहले ही उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन उसे प्रॉपर डिसइंफेक्ट किया जाएगा और पांचवा पॉइंट है कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन एक ग्रुप से ज़्यादा ग्रुपों में अप्लाई नहीं कर सकता तो अगर वो वैसा करता है तो वो उसे डिसकॉलीफाइड कर दिया जाएगा और वो फिर ट्रैवल नहीं कर पाएगा उसके बाद जो छठा पॉइंट है कोई भी कोई भी ये पाँचों पॉइंट में से कोई भी चीज़ों को अगर कोई ये कंडीशंस फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा इस अप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक से डायरेक्ट इस अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और आप फिल कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो ये ट्रैवल फॉर्म है उसे कंप्लीट कैसे भरना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर सारे कमेंट सेक्शन का आंसर दूंगा और इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो ट्रैवल फॉर्म का ऑनलाइन वर्जन है और आपको जो ट्रैवल फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे भरना है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये वीडियो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अगर हाँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग